हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सिंपल टेंथ पास हैं तो यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। एक न्यू वैकेंसी के बारे में जानेंगे। भारतीय डाक विभाग में दोस्तों न्यू वैकेंसी आई जिसमें सिंपल टेंथ पास रखा गया है। वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए डिटेल्स के साथ समझते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस को समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवा यानी GDS की पोस्ट देखने को मिल जाएगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM का पोस्ट और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इन तीनों का वैकेंसी में पोस्ट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। बात करते हैं फॉर्म कब से फिलअप करना है। दोस्तों 22 मई 2023 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो रहेगा दोस्तों वो 11 जून 2023 को रहेगा, यानी 22 मई अभी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से फॉर्म कैसे फिलअप करना इन सबको भी बताऊँगा। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी को लेते जाइए और समझते जाइए। एप्लीकेशन जो है आपका, यदि गलती से कुछ मिस्टेक हो जाता है, आपको कुछ करेक्शन करवाना है, तो 12 से 14 जून के बीच में आप करवा सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपका नहीं रहेगा, आपको एग्ज़ाम दिलाना नहीं पड़ेगा, ओनली फॉर्म फिलअप करना है। यदि आपका परसेंट हाई है तो मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसमें आपका नाम आ जाएगा दोस्तों, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। जनरल और बीसी वाले स्टूडेंट्स को 100 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। एससी एसटी और जो फीमेल हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनको कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा, ओनली 0 रुपीज़ उनके लिए है। बात करेंगे भारत में आप कहीं से भी हो फॉर्म अप्लाई कर सकते, किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, या फिर आप लोगों के लिए वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। वही बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों 11 जून 2023 में आपका जो एज है 18 से 40 वर्ष के बीच में रहना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आप इसके लिए योग्य हैं। जो वहीं चलिए बात करते हैं और डिटेल्स के साथ। तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बता दिया था कि दोस्तों इसमें बहुत सारे पोस्ट दिया गया है, करीब इसमें 12,828 पोस्ट दिया गया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 12,828 पोस्ट दिया गया है। अब चलिए पोस्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानते हैं। तो जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5,554 पोस्ट दिया गया है। दोस्तों EWS वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 1,004 पोस्ट दिया गया है। OBC वाले को 1,295, SC वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे 1,218 उनको दिया गया है, और ST वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे दोस्तों 3,366 पोस्ट दिया गया है, और PWDA वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 116 पोस्ट दिया गया है। PWDB के लिए दोस्तों उनके लिए जो पोस्ट दिया गया है वो 99 पोस्ट है, और PWDC के लिए दोस्तों 102 पोस्ट दिया गया है, और PWDE के लिए 74 पोस्ट दिया गया है। वहीं पर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि सिंपल टेंथ पास है, फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, चलिए उन सभी के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ सिंपल वहाँ लिंक दिया होगा दोस्तों, उसको क्लिक करिए। लिंक जैसे ओपन होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन पर। यदि आप पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हों या कर रही हों, आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन को, सिंपल दोस्तों हमारा ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा का जो है पोर्टल वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैं तो यहाँ से अपना यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा चुका है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से फिल करिए। सर यहाँ पर आप कौन से स्टेट में रहते हो उन सभी को यहाँ पर फिलअप करिए दोस्तों, फिर सबमिट पर क्लिक करिए। आगे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है, उस बेसिस पे आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। आप सिंपल अपने मोबाइल से भी इसको फिलअप करवा सकते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। यदि आपने न्यू स्टूडेंट हैं तो उनको कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ।
उनको वापस आना है यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से आकर अपने आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करिए, ईमेल आईडी फिलअप करिए, अपने जो भी पर्सनल डिटेल्स है उनको यहाँ पर फिलअप करिए और यहाँ पर लास्ट में कैप्चर कोड को फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना, आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आगे आपका प्रोसेस भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के द्वारा देते रहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल टाइम टू टाइम कराया जाता है, गवर्नमेंट जॉब से वैकेंसी से रिलेटेड हर वैकेंसी को बताया जाता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करिए, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताइए और शेयर करने के माध्यम से ही बताइए दोस्तों, ताकि उन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, उन लोगों को भी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलते रहे। और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।